आज बनाएंगे काजू कतली। और ये काजू कतली देखिए कितना परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो सबसे पहले काजू को लेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम काजू ली है और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। चीनी को जितना हम चीनी लेंगे उतना ही पानी लेंगे। अगर आपने काजू कतली बनाते टाइम मेजरमेंट सही रखा तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होगा काजू कतली बन के, कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं होगा। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हमें बनानी है इसकी एक तार की चाशनी। तो कोई भी चीज़ जब बनाते हैं ना तो जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है उसको। अगर आप मन से बना रहे हैं ना तो बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे ना चाशनी लगभग बन के तैयार ही है, तो हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल चिपचिपी हो गई है, मतलब एक चार की तार की चाशनी ये तैयार है। तो अब हम डाल देंगे सारे मिक्सर को उसी में जो हमने ग्राइंड कर रखा है। और ना आपको एक टिप्स देना यहाँ पे मैं चाहूंगी, अगर आप काजू को पीस रहे हैं और अच्छे से बारीक नहीं हो रहे हैं ना, तो आप इसमें पानी ऐड करके या तो दूध ऐड करके और इसे ग्राइंड कर सकते हैं। उससे भी बहुत मतलब अच्छे से ये ग्राइंड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे दरदरा रखी है और आप हम इसे चलाते हुए ना अच्छे से पकाएंगे। पहले तो बहुत अच्छे से मिला ली है मैंने और अब इसे इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। तो घी ज़्यादा नहीं डालते हैं काजू कतली में, क्योंकि काजू में ऐसे ही बहुत सारा तेल रहता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच ही घी डाले। घी डालने के बाद से हम इसे अच्छे से पकाएंगे और इसे ना बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको चलाते रहना है। अब हम डाल देंगे इसमें इलायची। अगर आप इलायची का डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर दें। आप चाहें तो यहाँ पे दूध मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। और ये देखिए पैन छोड़ने लग गया है, तो अब हम चेक चेक कर लेंगे कि ये हो गया है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी कटोरी पे निकाल रखी है और इसे मैं चेक कर रही हूँ कि हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ना ये गोला बन जा रहा है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया है। अब हम कढ़ाई गैस को बंद कर देंगे और बंद करके और उसी पे थोड़ी देर के लिए हम चलाते रहेंगे, मतलब जब तक कि कढ़ाई गर्म है तब तक चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे ना मैं क्या कर रही थी ना, गैस से नीचे उतार के और इसको ना हाथ हाथ से जब मैं इसको टच करी तो बहुत गर्म था ये। तो मैं सोची चलो इसको ना मैं कढ़ाई में ही पहले अच्छे से कर लेती हूँ, और बहुत गर्म था। तो आप प्लोथिन पे इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन प्लोथिन पे भी बहुत गर्म लग रहा था। तो आप वैसे मतलब हाथों के सहारे या तो चमचे के सहारे आप इसे बहुत अच्छे से पहले मसल लें। तो ये देखिए बिल्कुल आटा की तरह हो गया है, मतलब टाइट। तो जब हम इसका काजू कतली बनाएंगे ना तो यकीन मानिए इतना परफेक्ट बनेगा और बहुत दिनों तक तो खराब भी नहीं होगा, और ना वो चिपचिपी बिल्कुल भी नहीं होगी। कई बार काजू कतली बना तो लेते हैं लेकिन वो थोड़ा सा गीला रह जाता है ना, तो वो मुंह में बहुत ज्यादा चिपकता है, दांतों में मुंह में, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप इस तरीके से बनाए, सच में बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम बेल लेंगे यहाँ पे, और मैंने थाली पलट के और उसी पे बेल ली है। और मैंने इस पे बेलने के बाद से मैंने इस पे लगा दी है थोड़ी सी चांदी वर्क, और अब हम इसमें ना कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे ना देखिए काटने से ही पता चल रहा है कि कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से ना घर पे बना सकते हैं, बस आप मेजरमेंट का ध्यान रखिए और ये ना मतलब थोड़ा सा टाइट हो जाए तभी इसका बनाए, तो बहुत अच्छे से बनता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप घर पे काजू कतली बना के तैयार कर लेंगे। और अगर आपको ना मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ या नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में, और अगर मैंने इसमें कुछ भी गड़बड़ किया हो ना तो वो भी जरूर से बताना मुझे कि मैंने कहाँ भी गलती की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।